विगत दिवस उत्तर प्रदेश के तालवेट में उप जिला अधिकारी आजाद भगत सिंह के नेतृत्व में पन्नी प्लास्टिक पॉलीथीन के प्रयोग बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें दुकानदारों के यहाँ से पन्नी जब्त करते हुए उनसे जुर्माना वसूला गया। उप जिला अधिकारी आजाद भगत सिंह, सीओ विनोद कुमार सिंह के संयुक्त नेतृत्व में पन्नी पॉलीथीन प्लास्टिक के लिए नगर के बाजारों में अभियान चलाया गया, जिसमें फल, ठेले, सब्जी विक्रेताओं और किरानों की दुकानों पर पन्नी जब्त की गई। अभियान के दौरान एसडीएम आजाद भगत सिंह ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि यदि पन्नी पॉलीथीन का प्रयोग किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने अभियान के दौरान करीब 50 किलो पन्नी जब्त करते हुए करीब 60,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान सीओ विनोद कुमार सिंह, तहसीलदार अभिषेक सिंह, विनोद तिवारी, कस्बा इंचार्ज सतीश कुमार सहित भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए संवाददाता मुकेश तिवारी के साथ तालवेट से हिमांशु के साथ नरेंद्र दीक्षित की खबर। एसएस के लिए एक रिपोर्ट।